नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है क्योंकि इसकी कोई दवा अभी तक मौजूद नहीं है और इसीलिए ये बहुत तेजी से फैलता है। जितनी तेजी से फैलता है उतने ही ज्यादा लोगों के लिए इससे होने वाली मौत का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये है कि इससे कैसे बचेंगे हम, इसको फैलने से कैसे रोकेंगे हम। तो इसका सीधा जवाब ये है कि जब तक इसकी कोई दवा नहीं आ जाती तब तक कोरोना वायरस से बचने और इसको फैलने से रोकने का रास्ता हमारे पास एक ही है। हम सबको मिलकर ये 7 आदतें तो डालनी ही होंगी जो हमारी सबसे बड़ी पावर है। ये ऐसी आदतें हैं जो न केवल कोरोना वायरस से बल्कि अभी मौजूद दूसरे वायरसों से और आगे आने वाले तरह तरह के नए नए वायरसों से भी हमें बचाकर रखेंगी। सबसे पहले हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की आदत डालनी होगी क्योंकि WHO के अनुसार पूरी दुनिया में सांस लेने के सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा हार्ट की बीमारियों के बाद सबसे बड़ा है। यानी हार्ट की बीमारी पहले नंबर पर है और उसके बाद सांस लेने के सिस्टम की बीमारियों का दूसरा नंबर है। आप देख रहे हैं ये WHO की वेबसाइट पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे सांस लेने के सिस्टम की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी है और दिन पर दिन ये और ज्यादा कमजोर होती जा रही है। इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योग, प्राणायाम, कसरत, नेचुरल ड्रिंक्स और जूसेस वगैरह के लंबे टाइम तक सेवन करने की आदत डालनी होगी। नंबर 2, हमें अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखने की आदत डालनी ही होगी क्योंकि ज्यादातर टाइम हमारे हाथ गंदे रहते हैं और हम उन्हीं हाथों से हमारे मुंह, नाक और आंख को छूते हैं तो उसी से हमारे हाथों में मौजूद ये वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और हमें बीमार कर देता है। इसलिए अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह से धोने की आदत डालनी ही होगी। यही हमें कोरोना और हर तरह के वायरस से बचा कर रखेगा। नंबर 3, छींकने के टाइम बहुत ध्यान रखने की आदत डालनी होगी। ज्यादातर लोग तो छींकते टाइम न हाथ लगाते हैं और न रुमाल लगाते हैं और ऐसा छींकते हैं कि पूरा कमरा हिल जाता है और उस छींक के साथ निकलकर वायरस फैल जाता है। छींकिए, छींकने की मनाही नहीं है, लेकिन छींकते वक्त नाक पर हाथ, टिश्यू पेपर या रुमाल लगाने की या फिर अपनी कोहनी पर छींकने की आदत डालनी ही होगी। छींकते वक्त हाथ लगाया हो तो तुरंत अच्छी तरह से हाथ धोने की और टिश्यू यूज किया हो तो उस टिश्यू पेपर को ढक्कन वाले डस्टबिन में डालने की आदत भी डालनी ही होगी। नंबर 4, जब तक कोरोना वायरस का चक्र चल रहा है एटलीस्ट तब तक हमें अपने नाक और मुंह को मास्क, रुमाल, कपड़े, गमछे वगैरह से ढककर रखने की आदत डालनी ही होगी और इस मास्क वगैरह को लगाने के बाद हाथ से बार बार नहीं छूने की आदत भी डालनी ही होगी वरना वायरस हाथ से इस मास्क पर और मास्क से शरीर के अंदर घुस जाएगा। नंबर 5, कोरोना के साथ भी और कोरोना के बाद भी अगर हम किसी इन्फेक्शन वाली बीमारी से बीमार है तो भी और कोई दूसरा किसी इन्फेक्शन वाली बीमारी से बीमार है तो भी हमें एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की आदत डालनी ही होगी वरना इन्फेक्शन सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। नंबर 6, बार बार हाथों से नाक, मुंह और आंखों को नहीं छूने की आदत डालनी ही होगी क्योंकि बार बार ऐसा करने से ये वायरस और तरह तरह के कीटाणु हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर देते हैं। नंबर 7, अगर हमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई दें यानी बुखार के साथ सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और बदन में दर्द हो तो उसे छिपाएंगे नहीं, तुरंत चिकित्सक को दिखाने की आदत डालनी होगी वरना ये और लोगों को भी संक्रमित कर देगा। साथ ही अगर हम ऐसे किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए हों तो हमें भी चिकित्सक से सलाह लेकर घर पर ही या क्वारंटाइन सेंटर में 2 हफ्ते तक एकांत में रहना चाहिए। इन्हीं 7 आदतों का कड़ाई से पालन करके हम कोरोना से, वर्तमान में मौजूद ऐसे ही दूसरे इन्फेक्शन से और भविष्य में आने वाले ऐसे ही अनेक श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और उनको होने से रोक सकेंगे। आप अपने सुझाव भी कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं।